सो गाइज, अगर आपने ये वीडियो ओपन की है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को नहीं देखते तो हो सकता है इस साल यानी कि सेशन 2021-22 में आपको यूपी स्कॉलरशिप का बेनिफिट ना मिले। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडिया SMMK में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास काफी ज्यादा स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे, क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि यूपी स्कॉलरशिप की लास्ट डेट क्या है और यूपी स्कॉलरशिप की जो डेट है वो एक्सटेंड हुई है या नहीं। तो यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर कर दूं, डेट जो है वो एक्सटेंड नहीं हुई। लास्ट डेट है 21 अक्टूबर 2021, यानी कि 2 से 3 दिन आपके पास बचे हैं फॉर्म फिल करने के, जिसमें वेबसाइट चल नहीं रही। मगर जैसा कि आपको पता है, 3 से 4 दिन पहले मैंने वीडियो बना के आपको अपडेट किया था, और अपडेट यह किया था कि अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम ट्विटर पर एक कंपेन चलाएंगे जिसमें हम यूपी स्कॉलरशिप की जो लास्ट डेट है उसको एक्सटेंड कराने के लिए कहेंगे। तो आज किस वीडियो में वो कंपेन चलने वाला है, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। मगर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि कोई भी छात्र ये ना सोचे कि मैं ट्वीट नहीं कर रहा, एक ट्वीट से क्या होगा। देखिए, कतरे कतरे से ही दरिया बनता है। सभी स्टूडेंट्स का सपोर्ट चाहिए, सभी स्टूडेंट्स को ट्विटर को डाउनलोड करना है, उनके मोबाइल में नहीं है, और रिट्वीट करना है जो ट्वीट मैं करने वाला हूं। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, सभी स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना है। मैं ये बात बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि जो मेरे चैनल पे व्यूज़ आते हैं उसमें से 88% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब तक नहीं कर रखा, सिर्फ 12% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग भले ही चैनल को एक बार सब्सक्राइब ना करें, मगर ट्विटर पर जो कंपेन हम चला रहे हैं उसमें पूरा सपोर्ट करिएगा, क्योंकि इसमें सभी स्टूडेंट्स का बेनिफिट होने वाला है। अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया तब भी आप ट्विटर पर हमारी हेल्प करिए, यानी कि सभी स्टूडेंट्स की हेल्प करिएगा डेट एक्सटेंड कराने के लिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिएगा, क्योंकि भाई 12% लोगों ने सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, 88% जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ वीडियोस देख के चले जाते हैं, चैनल से उनको कोई भी मतलब नहीं है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है यार, चैनल को भी सपोर्ट करिए और ट्विटर पर जो हम कंपेन चला रहे हैं उसको भी सपोर्ट करिए। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ, आपको लाइव दिखाते हैं कि किस तरह से रिट्वीट करना है, किस तरह से आपको फॉलो करना है, और किस तरह से जो अपनी आवाज है वो सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश यानी कि योगी आदित्यनाथ जी और जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं AKTU लखनऊ प्लस जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं उन तक अपनी आवाज पहुंचानी और डेट एक्सटेंड करानी, क्योंकि पिछले साल भी हमने ऐसा ही किया था और जो डेट थी वो एक्सटेंड भी हो गई थी। जी हां दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, लगभग 10 दिन एक्सटेंड किए गए थे, पोर्टल दोबारा से ओपन किया गया था। तो आप लोग अगर सपोर्ट रहा तो 21 अक्टूबर से जो डेट है वो 100% एक्सटेंड की जाएगी। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ और बताते हैं कि किस तरह से आपको रिट्वीट करना है। सो गाइज, अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप लोग रिट्वीट कर सकते हैं जो ट्वीट मैंने ऑलरेडी कर दिया है यानी कि ट्विटर पर। और उससे पहले आपको बता दूँ, अगर आपको यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित किसी भी तरह की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके जानकारी ले सकते हैं, यानी कि sarkarijobfind.com की, ठीक है। और ट्विटर पर अगर आपको फॉलो करना है तो वो भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सिंपली उस पर क्लिक करके ट्विटर पर आप लोग मुझे फॉलो भी कर सकते हैं प्लस सर्च भी कर सकते हैं। अब आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको रिट्वीट करना है। आपको सबसे पहले ट्विटर का जो एप्लीकेशन है वो ओपन करना है और आपको यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पर जाना है, ठीक है। जैसे ही आप सर्च वाले ऑप्शन पे जाएंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको यहाँ पे सिंपली सर्च ट्विटर पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली सर्च करना है टेक्निकल इंडिया SMMK, ठीक है। जो हमारा चैनल का नेम है वो आपको यहाँ पे सिंपली सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको सिंपली हमारे नेम पर क्लिक करना है और उसके बाद सबसे पहले आपको करना है क्या, आपको हमें फॉलो करना है, ठीक है। क्योंकि कोई भी अगर हम नया ट्वीट करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ जाएगी, वीडियो को आपकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब आपको सिंपली करना क्या है, आपको यहाँ पे सिंपली फॉलो पर क्लिक करना है। फॉलो पर क्लिक करने के बाद आपको ये बेल आइकन दबानी है और यहाँ पे आपको ऑल ट्वीट्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सिंपली नीचे आना है। जैसे ही आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप लोग ये वाला ट्वीट देख सकते हैं जो अभी 12 मिनट पहले किया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ये ट्वीट पर क्लिक करना है तो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं जो हमने क्या लिखा है इसमें। हमने लिखा है, आपसे निवेदन है कि यूपी स्कॉलरशिप की लास्ट डेट 15 नवंबर 2021 तक एक्सटेंड करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छात्र स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल नहीं कर पाए हैं, कृपया लास्ट डेट एक्सटेंड करें वरना इस साल काफ़ी ज़्यादा छात्र वंचित रह जाएंगे। अब आपको करना क्या है, यानी कि रिट्वीट आपको कैसे करना है। आपको सिंपली रिट्वीट करने के लिए करना क्या है, आपको सबसे पहले तो यहाँ पे जो हर्ट वाला ऑप्शन आ रहा है आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको जो यहाँ पे
लेफ्ट साइड में जो आपको ये सर्किल सा नजर आ रहा है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे रिट्वीट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, जो आपका ट्वीट है, जो हमारा ट्वीट है, वो रिट्वीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग और सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे सिंपली ट्वीट योर रिप्लाई पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश यानी कि योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, आपको यहाँ पे सिंपली उनका नेम लिखना है योगी, और यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ गया योगी आदित्यनाथ, आपको सिंपली इसे सिलेक्ट करना है और आपको यहाँ पे सिंपली रिप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रिप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका कमेंट भी ऐड हो जाएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपके घर में जितने भी मोबाइल्स हैं, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, आप सभी से ये रिट्वीट कराइए ट्वीट। ठीक है, क्योंकि जितनी बार आप ट्वीट करेंगे उतनी बार ही वहाँ पे नोटिफिकेशन पहुँचेगा और डेट एक्सटेंड होने के चांसेस उतने ज़्यादा ही बढ़ जाएंगे। कोई भी छात्र ये ना सोचे कि मेरे एक ट्वीट से क्या होगा, तो इसलिए सभी छात्रों को ये ट्वीट रिट्वीट ज़रूर करना है। और अब जो हमको जो है आप लोग ट्विटर पर भी फॉलो कर लिए, क्योंकि अगर कोई और ट्वीट करते हैं तो आपके पास अपडेट आ जाएगी। प्लस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं कैमरे की तरफ। सो गाइज, आप लोगों ने देख लिया जो हमने कंपेन चलाया है, उसमें 15 नवंबर हमने डेट रखी है, यानी कि 15 नवंबर तक जो पोर्टल है वो ओपन रखा जाए, यानी कि 15 नवंबर तक डेट एक्सटेंड की जाए। अभी जो है 18 तारीख है, यानी कि लगभग अभी आपके पास 25 दिन और हैं अगर पोर्टल ओपन हो जाता है। मगर फिर से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सभी स्टूडेंट्स जो हैं इसे रिट्वीट करें। अगर आपके पास दो अकाउंट हैं तो आप लोग दो अकाउंट से करें, अपने फ्रेंड्स से, अपने घर में जितने भी मोबाइल हैं वहाँ पर ट्विटर डाउनलोड करके इस ट्वीट को रिट्वीट करें, क्योंकि जितनी बार भी आप इसे रिट्वीट करेंगे वहाँ पर उतनी बार ही मैसेज जाएगा। ठीक है, मिनिमम टारगेट 1000 रिट्वीट्स होने चाहिए और फॉलो हमें ज़रूर कर लीजिएगा ट्विटर पर, क्योंकि अगर कोई भी अपडेट आती है यानी कि कोई रिप्लाई भी आता है तो भी हम वहाँ पर आपको अपडेट कर देंगे, जो कि बहुत बड़ी अपडेट होगी। ठीक है, और अगर डेट एक्सटेंड से संबंधित किसी भी तरह की कोई भी अपडेट आती है तो भी हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे, मगर उसके लिए आपको ट्विटर पे हमें फॉलो करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो हमने ट्वीट किया है उसे रिट्वीट जरूर करना है। यानी कि आपको सोचना नहीं है कि करें ना करें, जरूर करिएगा, क्योंकि एक एक रिट्वीट अगर आप लोग करते हैं तो ये आवाज़ हमारी सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश, एजुकेशन मिनिस्टर, AKTU लखनऊ, सभी पॉलिटिशियंस के पास हमारी ये आवाज़ पहुंचेगी। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर डेट से संबंधित कोई भी अपडेट आती है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।